शादी के जा शादी की मुझे फंसा लिया, एक साल तक मेरे साथ रहा है ये लड़का। दोस्तों, भेड़िए ने बकरी को पत्ता दिखाया, पत्ता दिखाकर लालच दिया तो बकरी दौड़कर चली गई। जैसे ही गई पत्ता खाने के लिए तो बकरी शिकार हो जाती है। किस तरह होती है देखिए आगे। बोलता कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। भेड़िए ने अपनी भूख मिटा ली जबकि बकरी पत्ता देखकर गई थी अपनी भूख मिटाने। कुछ समझ नहीं पाई वो बकरी, चली गई तो भेड़िए ने अपनी भूख मिटा ली। आजकल की बकरियां कितनी भूखी होती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर मेरी बातों से कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा मुझे पता नहीं है, इसीलिए कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आजकल की कुछ मुस्लिम लड़कियों को बहकाया जाता है, ये कहा जाता है तुम कब तक हिजाब में बुरके के अंदर बंद रहोगी, घर के अंदर कैद रहोगी, आज़ाद हो जाओ, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घुमाएंगे। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है और चली जाती है गैरों के साथ। फिर क्या होता है वीडियो में आपने देख ही लिया, यूज़ करके छोड़ दिया। कहीं कहीं पर शादी भी हो जाती है लेकिन शादी के बाद भी उसे छोड़ दिया जाता है। आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार की खबर है, देखिए। मुजफ्फरपुर बिहार की खबर है, रुखसाना नाम की लड़की थी लेकिन रुकमणी बन गई और हिंदू लड़के से शादी कर ली, क्योंकि 4 साल से इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा था, कॉलेज टाइम से ही इन दोनों के बीच प्यार चल रहा था। बाद में ये मुस्लिम लड़की अपने परिवार को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर हिंदू लड़के से शादी कर लेती है। दोस्तों, ऐसी कई वीडियोस और सबूत है जिसमें ये बताया जाता है कि शादी हो चुकी होती है लेकिन शादी के बाद भी उस मुस्लिम लड़की को निकाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर वो लड़की बाद में रोती है, चिल्लाती है कि हाय मेरी इज्जत लुट गई। तो ऐसी लड़कियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, स्क्रीन पर भी दिखाऊँ कि इज्जत कहां है, इस्लाम के अंदर है या इस्लाम के बाहर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अनुमान लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। देखिए, इस्लाम के बाहर जो लड़कियां होती हैं जब बूढ़ी हो जाती है तो उनके बेटे उन्हें घर से निकालकर वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान लगाया गया है, आप देखिए, वृद्धा आश्रमों में मुसलमानों की संख्या बहुत कम या शून्य है। मुसलमान अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं भेजते, उसका कारण भी बताया है। देखिए, मुसलमान बच्चे अपने माँ बाप को अंतिम समय तक अपने साथ रखने का प्रयत्न करते हैं। ये इस्लाम में है, इस्लाम में कहा गया है। इस्लाम के बाहर जाकर अगर तुम शादियां करोगी तो क्या होगा, देखिए, एक रिपोर्ट में ये बताया गया है। एक लड़का कह रहा था अपनी माँ के बारे में, माँ ने 9 महीने ही रखा था, हमने 40 साल रख लिया। ये बोलते हुए बेटे ने माँ को छोड़ दिया वृद्धा आश्रम। बेटे लोग माँ को वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं जब वो बूढ़ी हो जा रही हैं तब। लेकिन इस्लाम में ये कहा जाता है कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वैसे इस्लाम को तुम लोग छोड़ कर, ठुकरा कर गैरों के साथ जा रही हो और बाद में रोती हो कि हाय मेरी इज्जत लूट गई। पत्ता देखकर शिकारी के पास जाओगी तो लूटोगी नहीं, तो फिर होगा क्या। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो के साथ।